हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय सीखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या रिजल्ट है हमारे पास कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हम किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड बनाकर उसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और यह अद्वितीय होता है। मतलब चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, उन गुणनखंडों के अलावा आपको और गुणनखंड नहीं मिलेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 60। अब मुझे 60 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आपको भी आते हैं क्योंकि हम बहुत छोटी क्लासेस से फैक्टर ट्री बनाना भी सीखते थे, है ना। मान लीजिए मैंने इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 30 आ गया, फिर 2 से किया 15 आ गया, देन 3 एंड 5, ठीक है। अब इसको हम दोबारा करते हैं। अब की बार अगर मैंने इसको पहले 3 से डिवाइड कर दिया सो आई गेट 20। अब की बार मैंने इसे 5 से कर दिया 4, नाउ इट इज 2 2 1, ठीक है। अब देखिए, अब की बार हमने इसे 5 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया। देखिए बेटा, सबसे पहले केस में हमारे पास क्या है, इसके गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 5। यहाँ देखिए 3 × 5 × 2 × 2, यहाँ पे देखिए 5 × 2 × 3 × 2। दैट मीन्स, और जबकि हमें, आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर पहले लिख देते हैं, थोड़ा हमें क्वेश्चन करने में और देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी इट इज 2 × 2 × 3 × 5। तो फाइनली आपके पास क्या रहे इसके गुणनखंड, 2 2 3 5, 2 2 3 5, 2 2 3 5। और जबकि हमने इसको 3 डिफरेंट तरीकों से किया था, है ना, लेकिन सबका फाइनल आंसर एक ही है और इसी का मतलब है कि ये यूनिक प्रोडक्ट है, अद्वितीय है। चाहे आप किसी भी तरीके से कर लें, लेकिन फाइनल आंसर सबका हमारा एक ही आएगा। और हमने ये भी सीखा कि इस नंबर को हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य, जो कि अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होती। इसी तरीके से हमने 90 के किए। देखिए, 90 को सबसे पहले 2 से किया, 45 आ गया, फिर 3 से, फिर 3 से डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बच्चों ने, मान लीजिए, ये क्वेश्चन किया, लेकिन फाइनली सबके पास क्या प्रोडक्ट आएगा, 2 × 3 × 3 × 5। देखिए, 3 3 2 5, 5 2 3 3, चाहे आप किसी भी तरीके से कर लीजिए इसको, लेकिन फाइनली आपके पास यही प्रोडक्ट रहेगा। दिस इज व्हाट अर्थमेटिक थ्योरम सेज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सेज। सो बेटा, आपको ये ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।